हिंदी की कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि रसखान जी का जन्म 1548 ईस्वी में हुआ। उनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने गोस्वामी विठलनाथ से शिक्षा ग्रहण की तथा ब्रजभूमि में रहने लगे। रसखान जी ने ये सभीयों का जो यहाँ पर वर्णन किया है, वहाँ पर उस ब्रजभूमि और कृष्ण का यहाँ पर वर्णन किया गया है। आइए इसको हम पढ़ते हैं। मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के कारण। रसखान जी कहते हैं, यदि अगले जन्म में मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो केवल ब्रज के गोकुल गांव के निवास करने वाले ग्वाले के रूप में ही हो, जिसे मैं कृष्ण के साथ समय व्यतीत करूँ। जो पशु हो, यदि मेरा जन्म पशु रूप में होता है तो कहा बस मेरो चरों नित नंद की धेनु मझारन। अगर मेरा पशु रूप में जन्म होता है तो नंद की गायों के बीच जाकर चरूं, क्योंकि उन्हें चराने वाले श्री कृष्ण ही होंगे। पाहुन हो तो वही गिरी को जो कियो हरिक्षेत्र पुरंदर धारणी। पाहन क्या है? पत्थर, ठीक है, और गिरी पर्वत। कियो हरिक्षेत्र किसके लिए आया है? श्री कृष्ण के लिए आया है। पुरंदर इंद्र के लिए आया है। यदि किसी पत्थर का रूप ग्रहण करूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का अंग बनूं, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने गांव वालों को इंद्र के क्रोध से बचाने के लिए अपनी अंगुली पर धारण कर लिया था। फिर कहते हैं, जो खग पक्षी हो तो बसेरो करो मेरी कालिंदी कुल कदम की धारा। कालिंदी क्या है? यमुना, कुल किनारा। यमुना के किनारे कदम, कदम का वृक्ष होता है, उसकी डालियों पर। क्या कहते हैं? यदि पक्षी बनू तो मेरा निवास यमुना के किनारे स्थित कदम के वृक्ष की डालियों में हो, क्योंकि श्री कृष्ण इसी कदम के वृक्ष पर बैठकर बांसुरी बजाते थे। और इस प्रकार रसखान केवल ब्रज भूमि से ही अपना संबंध स्थापित करना चाहते हैं। अगले सवियों में देखिए, दूसरा सविया में क्या कहते हैं। या लकुटी अरु कामरिया, लकुटी मैंने लाठी, कामरिया कंबल, पर राज तिहुने तीनों लोगों का राज्य त्यागना की तजी डारो। रसखान जी क्या कहते हैं? रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए वे तीनों लोकों का राज्य त्यागने के लिए तैयार हैं। आठों सिद्धि नवो निधि, आठ सिद्धियों का और नौ निधियों का जो सुख है वो नंद की गायें चराई बिचारो, नंद की गायें के चराने के लिए वो त्यागने के लिए तैयार हैं। क्या कह रहे हैं? कि वो आठ सिद्धियों और नौ निधियों का सुख भी वे नंद की गायें चराने के लिए त्याग सकते हैं। उनके मन में, उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम भाव प्रकट हुआ है। रसखान कबो इन आंखें सो, रसखान जी कहते हैं, पता नहीं मेरी ये आंखें ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। तड़ाग क्या होता है? तालाब। पता नहीं ब्रज के बन को बाग को तालाब को कब निहार पाएंगी, कब देख पाएंगी। और फिर कहते हैं, कोटि करोड़ों एक कलदोत के दाम। कलदोत के दाम क्या होता है? सोने चांदी के महल, क्रील कांटेदार झाड़िया के कुंजन ऊपर बारो। क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि जो ये चांदी सोने के जो महल है, करोड़ों करोड़ों के महल हैं, वो भी त्याग सकते हैं। किसके लिए? किसके लिए त्याग सकते हैं? ब्रज की लताओं से लती कांटेदार झाड़ियों के ऊपर करोड़ों सोने चांदी के महल निछावर कर सकता हूँ। ये सभी त्याग कर मैं ब्रज भूमि में निवास करने के लिए तैयार हूँ। तीसरे सवैया में रसखान जी क्या कहते हैं? तीसरे सवैया में देखिए, तीसरे सवैया में एक सखी एक गोपी से कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर रखो, यानी कि जो मोर पंखी मुक्त है वो सिर पर रखो और गूंज की माल गहरों पहनोगी। क्या कहते हैं? एक सखी एक गोपी से कहती है कि तुम कृष्ण जैसा रूप धारण करो, कृष्ण के मोर पंखी मुकुट को सिर पर रखो और उन्हीं की भांति गूंजों के दानों से बनी माला पहनो। फिर कहती हैं कि ओढ़ी पीतम्बर, पीला वस्त्र ओढ़ करके ले लकुटी, लाठी हाथ में लेकर के बन गोधन गवारिन संग फिरोगी। क्या कहते हैं? कि हाथी हाथ में लाठी लेकर ग्वाल बालों और गायों के साथ जंगल जंगल घूमो। भाव तो वही मेरे रसखाने, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। फिर कहती हैं, माधुरी से पूर्ण कृष्ण के सभी रूप मुझे इतने अच्छे लगते हैं कि तुम जो कहोगी वही रूप धारण कर मैं तुम्हें प्रसन्न करूंगी। परंतु हे सखी, कहते हैं कि ये जो मुरली है, मुरली धर की अधरान होठों पर धरी अधरान है धरूंगी। क्या कहते हैं? कि जो ये मुरली है, जो हमेशा
कृष्ण के होठों पर चढ़ी इटलाती रहती है, अपने होठों पर नहीं रखूंगी क्योंकि यह मुरली ही मुझे कृष्ण से दूर रखती है, इसलिए मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगी। चौथे वाक में अंतिम वाक में क्या कहते हैं सुनिए। काननी दे अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुनी मंद बजही। कवि कहता है, रसखान जी कहते हैं कि गोपी के प्रेम का जो ये रूप है उसके बारे में कहते हैं कि जब कृष्ण मुरली की जो मंद मंद धुन बजाना प्रारंभ करेंगे तो वह अपने कानों में अंगुली डालकर रखेगी, वह उनकी मुरली की तान की ओर ध्यान नहीं देगी। और मोहिनी तानन को रसखानी अटा चढ़ी गोधन गए। मुरलीधर कृष्ण पर अपनी अटारी पर चढ़कर भी गोधन क्या होता है, गोधन एक लोकगीत है, गोधन नामक लोकगीत की धुन भी बजाते रहे तो भी मुझ पर उसका असर नहीं पड़ेगा। हे गोकुलवासियों, क्या कहती हैं, तेरी कहो शीघ्रे, यानी कि वो पुकार करके कह रही है, ब्रज लोगिन, ब्रज के लोगों, कहाली कल को कोई भी कितना समझाएगा, और मैं जोर जोर से पुकार कर कह रही हूँ कि यदि किसी तरह कृष्ण की मोहिनी तान मेरे कानों में पड़ गई तो सारे ब्रज के लोग कल मुझे चाहे कितने ही ताने दे मैं उनके पास खींचे चले जाऊंगी, क्योंकि हे माता मायरी, क्या कहते हैं, मायरी व मुख की मुस्काने संहारी न जेही, क्या कह रही हैं कि मैं जो, हे माता मुझे दोष न देना क्योंकि मेरा जो हृदय है वो कृष्ण की मुरली की मोहिनी तान के अधीन है और कृष्ण के जादू से बचा नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे जो उसके मुख की जो मुस्कान है मेरे से तो वो भी नहीं संभाली जाती। धन्यवाद।